रिश्तों के मामले में ऐसे ही होता है, एक जोड़ा लेने के लिए जाओ ना तो 10 दुकानों में फिरना पड़ता है। लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि सूट लेने गोश्त की दुकान में नहीं घुस जाना। बाबा मक्खन लगा लें, मक्खन और लगा लें। उसमें भी दादी की रूह आ गई है, सारी जिंदगी पहले सास से डरते रहो कि कोई बात बुरी ना लग जाए और अब इससे डरते रहो। उसके बाद क्या जबरदस्त लड़ाई हुई है हमारे घर। मैं लाउंज में दादू मूड ऑफ करके बैठी थी, अंदर कमरे में निदा पी। जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर जरूर आते हैं। ये क्या बात हुई, मैं इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ, हमारे घर में मीठा लग नहीं बना। कहने को तो दो दो घर हैं लेकिन सुकून एक में भी नहीं है। इसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये बोल दो, ये छक्का पड़ेगा। मैंने बोल दो, ये चीज छक्का पड़ेगा। बोल दो, देखिए बोल पे। गलत टीम को ना, गलत टीम को सपोर्ट करने का। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, खैरियत? अरे हाँ बिल्कुल खैरियत है। और मैंने पूछना था तुमसे कि जारा की सहेली मारुख याद है तुम्हें? अम्मी बचपन में किसी टाइम देखा था, अब भला थोड़ी याद होगी किस तरह की है और किस तरह की नहीं। एक मिनट आवाज तो कम करें प्लीज। कर रहा हूँ ना। हाँ अम्मी बताएं क्या होगा उसे? हाय हाय फायजा, क्यों उसे कुछ होने लगा? उसकी उम्र है भला कोई? क्या हुआ? मैं ये कह रही थी कि जो मारुख की बहन है ना मानूर, वो शामी के लिए कैसी लगेगी? अम्मी बचपन में देखी थी, अब कहाँ याद होगी मुझे। भाई वो निदा ने तस्वीर भेजी आमना को, तुम दोनों देखकर बताओ कि कैसी लग रही है। अच्छा अम्मी मैं फोन रखती हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? जल्दी से फोन ओपन करो, शामी भाई की दुल्हन की तस्वीर आई है, लड़की देखो। अरे दिखाओ, हमें भी दिखाओ। प्यारी है ना लड़की? तो प्यारी है मगर शामी की तस्वीर इसको भेजी है। इधर दे, बातें करवा लो इन दोनों से बस। मुझे हैरत इस बात की है कि आप लोगों ने फोन करके मुझे दफ्तर से इसलिए बुलवाया, ये जरूरी बात थी? और नहीं तो क्या, इस वक्त तुम्हारी शादी से ज्यादा कोई और जरूरी बात हो सकती है भला? अम्मी जारा अभी बच्ची है, उसने बोला और आपने मान लिया। और निदा तुम तो सेंसिबल हो एटलीस्ट। भाई क्या हो गया, मैंने तो कपड़े भी डिसाइड कर लिए। अम्मी की तो उनसे बात भी हो गई है, हम परसों उनके घर जा रहे हैं। क्या आप लोग कुछ करने से पहले सोचते भी है कि नहीं? आप एक दफा पिक्चर तो देख लेना। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, यहाँ बात बन गई ना हाँ हो गई, मैंने फौरन शादी कर देनी है। अगर आप लोगों को अपनी मर्जी करनी है ना तो फिर मुझसे क्या पूछ रहे, जो जी में आए करें आप लोग। अरे पिक्चर भी नहीं देखी बाबा ने। तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो ना, खुद ही देख लेंगे। हाँ भेज दी। तेरा मेरा साथ ऐसे टूटे ना। आप एक दफा पिक्चर तो देख लेना। उम्मीदों का ये हाल दिल से छूटे ना। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई, यहाँ बात बन गई ना हाँ हो गई, मैंने फौरन शादी कर ली। और नहीं तो क्या, इस वक्त तुम्हारी शादी से ज्यादा कोई और जरूरी बात हो सकती है भला? भाई क्या हो गया, मैंने तो कपड़े भी डिसाइड कर लिए।
अम्मी की तो उनसे बात भी होगी, हम परसों उनके घर जा रहे हैं। तुझसे वादा चाहूं खुद से ज्यादा, हाय दिल ये सादा, हाय दिल ये सादा है ये तुझसे वादा चाहूं खुद से ज्यादा, हाय दिल ये सादा, हाय दिल ये सादा। आ रा 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 आज तो क्या मतलब, मैं तो हमेशा से ऐसा हूँ। शाद रहो, आबाद रहो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। नहीं, आज तो कोई खास बात है। अम्मी आप समझिए, आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। तुम तैयार क्यों नहीं हुए अब तक? बस कपड़े चेंज करने हैं बाबा, 5 मिनट लगेंगे, और अभी तो आमना आप ही और फायजा आप ही भी नहीं आए। ओहो बाबा ना टेंशन लें, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। निता कॉल करो आमना को, देखो कहाँ रह गए ये लोग। मैं देखता हूँ, वही होंगे। उस दिन तो कह रहे थे दोबारा कोई मेरी शादी की बात न करे, और आज देखो। अभी तो तस्वीर देखकर ये हाल है। मुझे तो लगता है बाबा ने डिसाइड कर लिया कि यही करनी है। तैयारी से तो यही लग रहा है कि कोई कसर ना रह जाए आज हाँ होने में। अच्छा उठो तुम दोनों, जा जाके तैयार हो और अपने हुलिये दुरुस्त करो। ओहो दादू, आपको और बाबा को ज्यादा जल्दी है ना, तो आप लोग पहले चले जाएं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें वाकई छोड़कर चली जाऊंगी अगर तुम 2 मिनट में तैयार ना हुई तो। मेरी वजह से रिश्ता हो रहा है, मुझे नहीं छोड़ के जा सकते आप लोग। अरे भाई सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जी जी सब ठीक चल रहा है, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा ये बताओ कि मानूर को पता है ना कि वो लोग क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल उसे पता है, मैंने उसे खुद बताया है कि शामी की फैमिली आ रही है, रेडी हो जाओ। अच्छा, अरे मारुख बेटा जरा फोन करके पूछो कब तक आ रहे हैं वो लोग। बाबा वो निकलेंगे तो मैसेज कर देंगे, इतना दूर भी नहीं उनका घर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। नानो, अरे मेरा बच्चा। कैसे मेरा बच्चा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। फायजा कहाँ है? वो बबलू भाई कह रहे थे उसको छोड़ देंगे। हाय अच्छा अच्छा, तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी? हाय अम्मी, घर के सारे काम करके निकलना होता है। बस अम्मी ये आखिरी रिश्ता हो, रोज रोज नहीं घर से निकला जाता है, पता है ससुराल वाले बार बार पूछते हैं। बस अल्लाह करे बात बन ही जाए यहाँ पर। मुझे तो लग रहा है बात बन गई है, आप तो कह रहे थे कि भाई मान नहीं रहे। मुझे तो यहाँ पर देख के सीन कुछ और ही लग रहा है, अभी रिश्ता हुआ नहीं है, खुशी कैसे चेहरे से टपक रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह ऐसे ही मेरे भाई को खुश रखे, देखिए कैसा हैंडसम लग रहा है मेरा भाई।
मामू मैं भी जाऊंगा। हसन बुरी बात नहीं, मैं जाऊंगा मामू। हसन आमना, मैं सोच रहा था ये हसन को मियां शमीम बाजी के पास ना छोड़ जाए। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, गुड्डू जी ने मुझे खास तौर पे कहा था कि इसको साथ लेके जाना है और मैं इसको समझा कर लाई हूँ, ये वहां बिल्कुल शरारत नहीं करेगा। हाँ है ना हसन? मामू आज तो आप बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। हाँ शमी भाई आप तो पहचाने ही नहीं जा रहे। अम्मी आपने ये शॉल ले, ये बहुत सूट करेगी आपके साथ। चले चले उठे जल्दी करें, मारो के मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं। एक बार मुझे जूस पीने दो। माँ जाके पी लेना, उठे पी लेंगे। चले आए आए, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चले चले। शाइस्ता, मानूर अभी तक नीचे नहीं उतरी, वो लोग आने वाले होंगे। मारुख गई हुई है उसे देखने, वो तैयार हो रही है। सुबह से तैयार हो रही है, एक दफा भी नीचे नहीं आई। अरे बाबा लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है। शाइस्ता सब ठीक है ना, उनके सामने फिर कोई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मानूर ऊपर तैयार हो रही है, शामी की फैमिली आएगी तो वो नीचे आ जाएगी, आप टेंशन ना लें। मेरा ख्याल मेहमान आ गए। हाँ, हाँ। चलें देखते हैं। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी बिल्कुल नहीं। शामी से तो मारुख के कॉलेज के बाहर मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह आपने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। जी शुक्रिया, इंसान यही तो दे सकते अपनी औलाद को, अच्छी तालीम और तरबियत। जी जी बजाय इशारत किया आपने। माशाल्लाह आपकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, मारुख से तो मुलाकात होती रहती है जारा की वजह से। आंटी मानूर किधर है, कई साल हो गए हमने उसे नहीं देखा। कुछ लोग खास तैयारी से आए हैं उसे देखने के लिए। मानूर भी अभी आई जाती है। एक्चुअली मैंने उससे कहा था कि चाय तभी रखना जब मेहमान आ जाए। भाई चाय के मामले में हमारी बेगम बहुत हसास है, इन्हें तो ताजा और एकदम कड़क चाय चाहिए। चले इस बहाने तो आपको बहुत अच्छी चाय पीने को मिलती होगी। अरे भाई ऐसी वैसी, अगर हमारी बेगम को सुबह के वक्त अच्छी चाय ना मिले तो सारा वक्त इनके सर में दर्द रहता है और फिर हमारी खैर नहीं होती। वैसे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा, खुशी के मौके पे मिठाई ना हो ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर ये सब कुछ। आंटी इसमें क्या है, बस मिठाई तो है। अरे बेटा आपका नाम क्या है? अंकल को नाम बताओ अपना। हसन। अरे वाह 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 भाई, ये तो बहुत अच्छा नाम है। और आपकी उम्र कितनी है? 10 साल का। अरे बेटा अगर आपको खेलना है ना तो बाहर लॉन में जाकर खेल ले। अरे नहीं अंकल इसे यहीं रहने दे, बहुत शरारती है ये। अरे बच्चे हैं शरारती करेंगे। अरे जाओ बेटा जाओ जाकर लॉन में खेलो। ओके अंकल।
आज इधर से चले जाओ। शाबाश। और शामी बेटा, काम का सुनाओ, कैसा चल रहा? जी बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक चल रहा है। सॉरी। अरे बेटा फोन उठा लो, शायद कोई जरूरी काम हो। वो ऑफिस से है तो एक्सक्यूज मी। आवाज आ रही है? हेलो जी, शामी साहब कहाँ हैं आप? सर एक जरूरी काम से आया था। सर शामी साहब, आप आज मुझे बता ही क्यों नहीं देते कि ये सारे जरूरी काम आपकी जिंदगी में क्यों आते हैं? सॉरी सर, आपको इन्फॉर्म नहीं कर सका। कब तक आएंगे आप? सर आज तो मुमकिन नहीं है। सर व्हाट डू यू मीन मुमकिन नहीं? काम कौन करेगा यहाँ पर? हमारी डिलीवरी जानी है, सारा कुछ रुका भाई यहाँ पर। सर मैं आज रात को सोऊंगा नहीं, जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता मैं नहीं सोऊंगा। मैं आज ही खत्म करके आपको देता हूं। आपको खत्म करके आपको देता हूं, प्लीज आप बेफिक्र रहिए। कैसे बेफिक्र रहूं मैं जवाब दे हूं कंपनी के चेयरमैन को, उनको क्या बताऊं कि शामी साहब को काम पड़ गया था इसलिए डिलीवरी नहीं हो सकती? आर यू क्रेजी? आवाज आ रही सॉरी गिर गया, टूट गया। वो बॉस की कॉल आ रही थी, मैंने समझाया उन्हें मैं बिजी हूं कहीं बैठा हूं, लेकिन वो बॉस मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जी जी कहे। मारुख बेटे मानूर से कहो चाय ले आए। जी अम्मी मैं देखती हूँ। आपी जरा बेटा भाई को जरा जाके देखो, आज भी ऑफिस वाले उसकी जान नहीं छोड़ रहे। जी अच्छा। दरअसल जिस तरह से हमारी नूर आपी आप इधर, वो अम्मी अंदर आपको बुला रही हैं। अच्छा
बाबा वो दादू बुला रही थी आपको। हाँ ओके। अरे बेटा सब खैरियत थी ना? जी वो बॉस की कॉल थी। अरे बेटा ये फोन कैसे टूट गया? वो बॉस की कॉल आ रही थी ऑफिस से, वो बात करते करते फिर फोन गिर गया नीचे, स्क्रीन ही टूट गई। हालांकि कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई, टूटे हुए फोन में से बॉस की आवाज आ रही थी तो वो बस। अरे बेटा सब बॉस ऐसे ही होते हैं। अब इसीलिए मैंने शुरू में नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू कर दिया था। अपने काम की तो खैर क्या ही बात है जी। आंटी महनूर नहीं आई अभी तक? महनूर मैं उसे खुद ही ले आती हूँ। अरे लो वो आ गई। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, जिस घर भी जाएगी अपने मुकद्दर से रोशन कर देगी। आमीन। बस यही दुआ है कि अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। आमीन। आप छोड़े ना, आप यहाँ आके बैठे, मैं देखती हूँ। आओ बेटा मेरे पास आके बैठो। अम्मी ये हमारी बेटी के लिए शगुन है। हमें महनूर बहुत अच्छी लगी है, बस अब सिर्फ आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। अरे आपके खानदान को कौन नहीं जानता, और फिर शामी भी देखा भला है, सोचना क्या है। लेकिन फिर भी हम आपको बहुत जल्द जवाब देंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते आप हमारे घर भी आइएगा। जी जी जरूर। मुझे तो उनकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। महनूर कितनी प्यारी है ना अम्मी। हाँ बहुत ही नेक और खानदानी लोग हैं। वैसे सोचो भला सायमा कितने रिश्ते दिखाती थी, पर बात वही है ना जहाँ नसीब लिखे हो। वैसे मैं वापसी पे सायमा आंटी के घर मिठाई ना देती हुए जाए, उस दिन कैसे चैलेंज करके गई थी। दफा करो हमें क्या लगे। वैसे अभी हाँ हुई नहीं है, पहली खुशियां मना लो। आने का मतलब हाँ ही होता है, मैं तो अपने घर मिठाई लेकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। शामी बेटा आगे से ना जरा दोनों के लिए मिठाई ले लेना। वैसे गुड्डू और बबलू भाई की अभी तक कॉल नहीं आई, उन्हें तो बड़ी फिक्र होती है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो फिक्र करते हैं, उनको परवाह होती है इसीलिए पूछते हैं। तुम ना हर बात में शुरू हो जाती हो, चुप करो। जैसे हम तो बच्चे हैं ना, बड़ी परवाह है उनको। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा उसे सारा क्रेडिट जारा को जाता है। जारा ने कमाल कर दिया। हाँ भाई इसने भी जल्दी इसीलिए रिश्ता ढूंढा ताकि भाई के बाद इसका नंबर आ जाए। वैसे जारा मेरी बात सुनो, अब तुम ना निदा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा नंबर है। लड़की तुम क्यों खामोश बैठी हो, क्या हुआ? आपने मुझसे पूछे बगैर रिश्ते को हाँ कैसे कर दी? क्यों नहीं कर सकते? अबू मुझे शामी से शादी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। आप लोग मुझे मेरे ही हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? भाई कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो क्यों ना करें? देखो बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई इतनी चाहत के साथ तुम्हें अपने घर ले जा रहा है। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ।
फिर मेरा फैसला भी सुन लो। हम अगले हफ्ते उनके घर जा रहे हैं। मैंने तुम्हें फैसले का इख्तियार दिया था, तुम्हारी पसंद पर राजी भी हुआ था। अगर वो फिरोज संजीदा होता तो तुम्हारा हाथ मांगता हमसे। अम्मी जिस दिन मानूर के घर वाले आएंगे ना, उस दिन सायरा आप ही को पहले बुला लीजिएगा। हाँ, जिससे वो तो खुशी खुशी दौड़ती हुई आएंगी। अरे छोड़ो ना, वो हमेशा से मुख्तलिफ मिजाज की थी। मुख्तलिफ नहीं, सड़ियल मिजाज की है। हिम्मत है नदीम भाई की। वैसे जारा तुम जरा मारूख से पूछना, उनके घर क्या बात हुई हमारे आने के बाद। हम तो बड़ा खुश खुश आए हैं। जारा जारा कहाँ घूमो, बात सुनिए। जी देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो बेटा, वो तुमसे जितना प्यार करते हैं और किसी से नहीं करते। इसीलिए तो बहुत सोच समझ कर वो तुम्हारा हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहते हैं जो तुम्हें वही इज्जत और वही प्यार दे जिस इज्जत और प्यार से उन्होंने तुम्हें रखा। और तुम अच्छी तरह जानती हो वो तब भी राजी थे जब तुम अपनी मर्जी कर रही थी, हालांकि घर में से कोई भी उस लड़के के हक में नहीं था। लेकिन उसमें क्या बुराई है? देखो बेटा, हुसन के कसीदे पढ़ने वाले लड़के बहुत मिल सकते हैं, लेकिन इज्जत के साथ हाथ थामने वाला कोई कोई होता है। और अगर उसने तुम्हें अपनाना होता तो वो यूं सब छोड़ छाड़ कर खत्म करके नहीं जाता। तुम्हारे लिए इस वक्त ये फैसला शायद मुश्किल हो, लेकिन मुझे लगता है कि शामी तुम्हारी दिल से कदर करेगा। मैंने उसकी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत और पसंदीदगी देखी है। ट्रस्ट मी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप ही आप कब आई? थोड़ा पहले आ जाती तो आप भी चलती हमारे साथ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, फिट फाट। हाँ बहुत अच्छे थे। What a pleasant surprise, आप ही आप कब आई? थोड़ा पहले आ जाती तो आप भी चलती हमारे साथ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, फिट फाट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप ज्यादा दिन के लिए आई हैं, फिर तो मजा आएगा। जारा पहले जाके कपड़े तो बदलो, फिर आराम से बैठ के बातें करना। बेटा शमीम से कहो कि सायरा आई है, खाने का कुछ बंदोबस्त करे। शमीम मिल चुकी है मुझे। तुमने बताया नहीं अपने आने का? क्यों, अपने घर आने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे तुम आओ। नदीम नहीं आए? जो आया है पहले उससे तो बात कर लें।
बेटा जाके शमीम से कहो यहाँ से सामान उठा ले। मैं कहती हूँ सायरा आप ही फिर इतना सामान उठा के ले आई हैं। पहली बार थोड़ी आई है, इस दफा कुछ ज्यादा ही है, कोई बड़ा मसला तो नहीं हो गया? खैर जब से शादी हुई है सायरा आप ही की हम तो यही तमाशे देखते आ रहे हैं, पर तुम टेंशन ना लो। सायरा आप ही को मसला क्या है, नदीम भाई इतने अच्छे तो हैं। बाहर बैठी है जाके पूछ लो। मेरा दिमाग नहीं खराब, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर सायरा आप ही अगले हफ्ते तक यहीं रुक गई तो मानूर की फैमिली वालों ने भी तो आना है। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम वो यहाँ रहेंगी, ये तो शुरू से होता आ रहा है, नदीम भाई आते हैं और उनको मना कर ले जाते हैं, एंड आई एम श्योर कल शाम तक वो आएंगे और उनको अपने साथ ले जाएंगे, सो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पाँव दुख गए आज इतने ज़्यादा, दबा दूँ? प्लीज़ गला, अभी कोई अच्छी बात ना निकालना अपने मुंह से। क्या आप ही इतना डिप्रेसिंग माहौल बनाकर बैठी हैं? अम्मी बाहर बुला रही हैं, उन्होंने कहा है कि आप आकर सबके साथ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी हुई, जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मुझसे क्यों खफा हो, मुझसे तो बात करो। तुम सब कुछ जानती थी ना, फिर भी शामी की फैमिली को यहाँ ले आई रिश्ते के लिए। आप ही मैं तो बस नहीं, बस क्या, तुम जाओ यहां से। मारो फोन उठा लो। बाबू तो बार कॉल पिक करने गए थे, मनहूर आप ही कहां से आ गई? तो ये फोन भी नहीं उठा रही। क्या बुराई है शामी भाई में? बहुत अच्छे होंगे, किसी और फैमिली में जाके शादी करवा दो उनकी। आप क्यों नहीं कर लेती? मुझे शादी नहीं करनी। हम दोनों जानते हैं इसकी असल वजह क्या है। आप किसी ऐसे शख्स के लिए खुद को तबाह कर रही हैं जिसने आपको छोड़ते हुए वक्त नहीं लगाया। ना तो उसे कोई फर्क पड़ा है, ना उसकी जिंदगी रुकी है, वो तो अपने ख्वाब पूरे कर रहा है और आप घर आई खुशियों को धुतकार रही हैं। तब भी सबने आपको समझाया कि वो सही लड़का नहीं आपके लिए, लेकिन आपकी जिद के सामने सब हार मान गए, आपको फैसले का इख्तियार दिया। फिर क्या हुआ, अपनाया उसने आपको? आप ही रैशनल होकर सोचें, आप बस शराब के पीछे भाग रही हैं। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, जिस घर भी जाएगी अपने मुकद्दर से रोशन कर देगी। अरे आपके खानदान को कौन नहीं जानता, और फिर शामी भी देखा भाला है, सोचना क्या है। मुझे तो उनकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा,
मानूर कितनी प्यारी है ना अम्मी, बहुत ही नेक और खानदानी लोग हैं। वैसे सोचो भला सायमा कितने रिश्ते दिखाती थी, पर बात वही है ना, जहां नसीब लिखे हो। आने का मतलब हाँ ही होता है, मैं तो अपने घर मिठाई लेकर ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा उसे सारा क्रेडिट जारा को जाता है। जारा ने कमाल कर दिया। हाँ भाई जारा? जी यहाँ क्यों बैठी हो? वो कमरे में मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे इसलिए। ऐसे क्या अकेली बैठी हो सीढ़ियों में? कमरे में जाओ अपने। जी अच्छा, बात सुने, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपको मानूर आपी कैसी लगी? कमरे में जाओ। सहला के मन को तेरे में बदलूं यकीन में घुमा, तेरी हकीकतों की दुनिया में सपनों का भरूं जहां, तेरा मेरा साथ ऐसे टूटे ना, उम्मीदों का मैं दरवाजा बंद करके नहीं जा रही, बाहर अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। और आपने शामी भाई को बोला क्या है? यही कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। क्या? आज तो बात नहीं हो सकी लेकिन जल्द कर लूंगी उनसे बात।